ये आपका क्वेश्चन है चार ऑप्शन दे रखे हंड्रेड नाइनटी एट्टी सेवेंटी ठीक चलो करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज समझ लो कि आपको एक एटी कर्व दे रखा है एटी ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है

क्वेश्चन मैंने क्यों रखा वो भी बताऊंगा मैंने देखे कैनामेटिक्स में क्वेश्चन रखे ग्राफ के पिछला वाला एक्सटी कर्व पे था उसमें हमने स्लोप देखी थी इस वाले में हम कर्व ले रहे हैं और इस वाले में स्लोप नहीं देखेंगे एरिया देखेंगे देखिए मैंने क्या कहा मैं उन कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटी दे रहा हूं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं जो सिग्निफिकेंट हैं इस बार के नीट के लिए 26 जुलाई 2020 के लिए इंपॉर्टेंट हैं मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट हो सकते हैं तो देखिए ग्राफ के क्वेश्चन कानेमेटिक्स में वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने एक स्लोप का और एक एरिया का जानबूझ के इससे लिया कि जिससे दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं और यहां पे पर क्या लगेगी कि एटी कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है लेकिन कई सारी कॉन्सेप्ट लगेगी मैं सारी सारी बताऊंगा पहली कॉन्सेप्ट लगेगी कि एटी कर्व का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है तो सही बात है आप पूरा एरिया निकाल लो चेंज इन वेलोसिटी कर लो लेकिन यह भी नहीं करना है पूरा क्वेश्चन पढ़िए आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द पार्टिकल

वेलोसिटी के लगता है तब तक स्पीड बढ़ती है स्पीड बढ़ने घटने का फंडा यह होता है कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल जिधर जा रहा है, है।, है। जिधर मोशन हो रहा है एक्सिलेशन कि फोर्स भी उधर लगे तो स्पीड बढ़ेगी और जिधर जा रहा है फोर्स उसके अपोजिट लगे एक्सिलेशन उसके अपोजिट लगे तो स्पीड घटेगी तो जब तक क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव थी तो जब तक एक्सिलेशन पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी चाहे बढ़े चाहे घटे जब तक वेलोसिटी और एक्सिलेशन सेम डायरेक्शन में तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी और जहां वेलोसिटी तो चलिए वही है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया क्योंकि अब तक तो स्पीड बढ़ रही थी जहां अपना एक्सीन ने अपनी डायरेक्शन बदली नेगेटिव हो गया वी प्लस ए आगे एक्सिलेशन पीछे अपोजिट डायरेक्शन वहीं स्पीड घटने लगेगी इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कहा मिलेगी जहां तक स्पीड बढ़ रही है तब तक तो ठीक है जैसे ही स्पीड घटने लगी तब मैक्सिमम स्पीड क्या तब तो उससे कमी होगी तो मैक्सिमम स्पीड तक है जहां तक स्पीड बढ़ रही है कब तक स्पीड बढ़ रही है जब तक विलोसिटी एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा ही प्लस एक्स में थी तो एक्सिलेशन कब तक प्लस एक्स में है तो ध्यान से देखो ग्राफ में एक्सलेशन प्लस एक्स में यानी कि पॉजिटिव है पच्चीस सेकेंड तक 25 तक, 25 तक टिल ट्वेंटी एक्सिलेशन इज पॉजिटिव

स्पीड घटने लगी होगी तो हमको मैक्सिमम स्पीड कहां तक मिलेगी 25 सेकंड सेकेंड तो हमको इवन इफ जीरो से 35 सेकंड का इंटरवल लिया है मैक्सिमम स्पीड तो 25 पे हो रही, उसके घट रही है जीरो से 25 तक स्पीड बढ़ी है और फिर 25 से 35 स्पीड घटने लगी है इसलिए मैक्सिमम स्पीड हमको ट्वेंटी पे चाहिए समझे पे चाहिए, 25 पे चाहिए। तो हम क्या करें 25 तक का एरिया लेंगे तो लेते हैं 25 तक का एरिया ये आपको दिख रहा है 25 तक का ये क्या फिगर है बताओ क्या ये ट्रेपेजियम है क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो 80 कर्व का एरिया पहले तो मैं कॉन्सेप्ट लिख दूं एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी

इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 v minus 10 तो देखिए 35 4 by 2 35 into 2 70 v minus 10 10 इधर ले आएंगे तो v जुकाल टू 80 मीटर पर सेकेंड तो हमने दो कॉन्सेप्ट लगाए एक कॉन्सेप्ट ये लगाए भैया कि 80 का रूप एरिया क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी दूसरे कॉन्सेप्ट क्या लगाई दूसरे एक्सेलरेशन And velocity must be along the same direction for a speed to increase. A speed तब तक बढ़ती है अगर acceleration और अपोजिट direction में आ जाए तो speed घटने लगेगी और since question maximum speed पे था तो हमने सिर्फ वही interval लिया जहाँ तक acceleration velocity को support कर रहा था और speed बढ़ाने में समझाया तो दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन ही नेट में आएंगे समझाया